वापस एक बार मेरे भाई ने मंगवा है ये, एक दो तीन चार पांच पांच खतरनाक वाले। एक्चुअली ये टॉयज है लेकिन ये थोड़े गैजेट्स टाइप के टॉयज है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या है। सबसे पहले गाइस बड़ा वाला बक्सा ही हम लोग खोलते हैं। ये वाली पैकिंग तू खोल पाएगा इंडियन मेथड से? गाइस इंडियन मेथड है। Few moments later. Guys, Amazon वालों को हमेशा बोलता हूँ भाई अनबॉक्स करके मत दो, इस बार भाई इतना बॉक्स किया है कि अनबॉक्स कर ही नहीं पा रहा हूँ। Guys, finally open कर लिया इसको मैंने एंड काफी बड़ी है, देख सकते हो ये शायद कुछ वाटर कैनन वाली गाड़ी, लाइक इसमें वाटर कैनन दिख रहा है। आराम से चल तो रही है गाड़ी, ठीक है। इसमें दो दो रिमोट्स आए, ये वाला एक नॉर्मल सा और ये हाथ से चलाने वाला है। पहले भी हम लोगों ने ऐसे हाथ से चलाने वाली गाड़ी का वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वाला ये है बड़ा वाला बक्सा भाई, अच्छा खासा बबल जा पा रहा है, बहुत मन करना है। अबे ये फटने रहा है, ये क्या गाड़ी है यार, इसको ये आगे से कुछ दिख रहा है, ये काम करता होगा क्या? ये काम करता होगा तो ये मस्त हो जाएगा एकदम। गाइस इसमें पहले से ही सेल्स डले हुए हैं एंड काफी जगह अलग टाइप से, ये देखो ऐसे निकलते हैं एंड ऐसे अंदर जाते इधर। गाइस ये देखो अभी ये चालू हो गया है, ठीक है, एंड आगे जाते समझ ऐसे जा रहा है भाई, ये देखो ये देखो लग गया यार। नेक्स्ट अपने पास ये वाला बक्सा है, हम लोग क्या करेंगे पहले सारे के सारे बक्से ओपन करेंगे देन सब गाड़ियों को वापस से ट्राई करेंगे ठीक से। ये वाली क्या है? सामने से आपको नॉर्मल दिख रही है, यहाँ से बक्सा गंदा है बट पीछे से दिखा है इसमें रॉकेट बूस्ट जैसी चीज है, अगर असली आग निकलती है तो दोस्तों ये डेफिनेटली बच्चों के लिए चीज नहीं है भाई। ये गाड़ी तो काफी अजीब सी है, मस्त सी। गाइस सेल डाल डाल के थक गया उस सब चीजों में, लाइक दे दो एक। चल तो रही है नॉर्मली गाड़ी जैसे चलती है वैसे, ऐसे लेफ्ट राइट वगैरह हो सकता है इसमें भी। अच्छी यार ये भी मस्त गाड़ी है एंड इसमें पीछे से धुआं निकलता है बट यहाँ पे इंजन में डलता है पानी भाई, पानी से चलती है, ठीक है। इसमें थोड़ा पानी डाल के लाता हूँ, इसमें डल गया दोस्तों पानी, अभी मुझे देखना है ये काम करता है क्या, ठीक है। देखते अभी ये बटन दबाता हूँ और ये ठंडा है एकदम, जो भाप निकल रही है ठंडी है। अलेक्सा लाइट्स ऑफ भाई, ये देखो कैसे चमक रहा है ये पीछे से, धुआं भी ऐसे थोड़ा थोड़ा चमक रहा है भाई साहब, बढ़िया चीज थी यार, लेकिन एकदम बढ़िया मजा आ रहा है यार देखने में, धुआ धुआ। गाइस अभी अपने पास दो और बक्से बचे हैं देन हम लोग शायद से इनकी रेस भी कर सकते हैं। एम्फीबियस स्टंट कार, मतलब ये पानी पे भी चल सकती है, अभी इसको थोड़ा टेस्ट करने में टाइम लगेगा। इस वाली गाड़ी के ऊपर से बटन दिख रहा है मुझे चालू करने के लिए, काफी तेज है वाली वही। ये देखो गाइस ये गाड़ी लिटरली पानी पे भी चलती है, इसके थोड़े टायर्स बड़े दिख रहे हैं, इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। गाइस नेक्स्ट वाला सबसे छोटा बक्सा है अपने पास यहाँ पे, गाइस ये वाली एकदम सुपर कार जैसी दिख रही, छोटी सी, ये एक्चुअली कोई भी दीवार पे चल सकती है। इसके नीचे से डायरेक्टली वैक्यूम है, मतलब अगर वॉल वाला मोड करूँ यहाँ पे पीछे से ना मोड से, तो वॉल वाला मोड करूँ इसका तो वैक्यूम शुरू हो जाता है। गाइस नॉर्मल मोड में भी चलती है गाड़ी और भाई लाइट्स पे आगे से भाई क्या बढ़िया बन गई है आजकल की गाड़ी। ओहो ये गाड़ी इवन इंडिकेटर दे रही है सही से, जो कि भाई अपने इधर नॉर्मली रास्ते पे चलता उधर लोग नहीं देते सही से। गाइस ये खतरनाक चीज है, ये कंट्रोलर में ही चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, वाह काफी बढ़िया बात है, मस्त चमक रहा है चार्ज करते समय, वाह। गाइस हम लोग इसको दीवार पे लगा के देखते हैं, रेडी है बट मुझे यार आगे का वीडियो करने से पहले कुछ काम भी करना है अपना। मैं काफी सारे वीडियोस एडिट करता हूँ और उस एडिटिंग में और भी हेल्प होने के लिए मैं यूज करता हूँ वंडरशेयर का यूनिक कन्वर्टर ऐप। वंडरशेयर का जो यूनिक कन्वर्टर है ना उसमें काफी सारे फीचर्स आते हैं, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पसंद आएगा वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो ऐप है उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है, कुछ लोग सुनते नहीं सही से या फिर भूल जाते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके रखोगे अच्छी बात हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप उसमें रिकॉर्ड करके रखोगे तो कभी भी वापस जाके उसको वापस से देख सकते हो।
इसमें एक AI लैब भी आता है जिससे यार YouTube वीडियोस बनाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आता है एक ऑप्शन जिससे आप सबटाइटल्स ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो, देन जो अनवांटेड पार्ट्स है उसको इजीली ट्रिम आउट कर सकते हो, ये भी वो ऑटोमेटिकली कर देता है। लाइक हम लोग जब बातें करते हैं तब कंटिन्यूअसली तो कोई बोलता नहीं, बीच के पार्ट्स अपने को ट्रिम करने पड़ते हैं। हम लोग इवन अपना वॉइस तक चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा अभी यहां पे हो गया। काफी फनी फनी से सिनेरियो में भी जो वीडियोस होते हैं उनका भी बैकग्राउंड आप इसमें चेंज कर सकते हो। साथ ही में इसमें एक फीचर आता है जिससे आप एस्पेक्ट रेशियो ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो प्लेटफॉर्म के हिसाब से, जैसे इंस्टाग्राम का अलग है, यूट्यूब का अलग है। इसमें एक ऑडियो और वीडियो कन्वर्टर भी आता है जो 1000+ ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, वो भी बिना क्वालिटी का लॉस हुए GPU एक्सेलरेशन की मदद से काफी तेजी से ये कर सकता है, और बैच कन्वर्जन भी हो सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पे आप एकदम बड़ी साइज के फाइल्स अपलोड नहीं करना चाहोगे, तो वहां पे यार आप इसका ऑडियो वीडियो कंप्रेशन यूज कर सकते हो, ताकि यार जो फाइल का साइज है वो आप कम कर सकते हो, और साथ ही में जो क्वालिटी है उसका भी लॉस नहीं होगा। भाई इससे तो मेरा काम काफी जल्दी हो जाता है, एडिटिंग का वगैरह काफी सारी चीजें हो सकती है। ये काफी एक यूजफुल सा एप्लीकेशन है, आप भी वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर को चेकआउट कर लेना, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसकी मदद से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अपनी सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पे रेडी है, इनको और भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स मतलब कि हम लोग और भी ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले यार इस गाड़ी को हम लोग कोशिश करते हैं अभी चलाने की, क्योंकि इसकी जो गोलियां थी दोस्तों वो हम लोगों ने रात भर पानी में डाली थी। गोलियां रेडी है, ये देखो इसमें आपको दिखेगी नहीं गोलियां, लेकिन भाई क्या अलग सी चीज है ये, गोलियां यहाँ वहां जा रही है ज्यादा। अभी इसकी गोली मार के देखता हूँ मैं, ये मारता है यार, अरे मारी क्या इसने? हाँ मारी, सच्ची मारी। गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि ये शिनचैन को मार सकता है क्या, एक्चुअली मारी यार। गाइस साइंस के लिए मैं खुद पे मार के देखता हूँ कितना लगता है ये, ठीक है, थोड़ा सा ही लगा। गाइस गाड़ी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, वैसे तो ये काफी बढ़िया लगा मुझे ये कैनन, बट इतना कुछ खास लगता नहीं इससे, बस दिखने में बढ़िया दिख रहा है। गाइस नेक्स्ट आती ये वाली गाड़ी, भाई इसके ब्लेड्स वगैरह हम लोग मार के देखते हैं ब्लेड्स, लेकिन इतना कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि दोस्तों हमारे पास है सामने वहां पे देखो कुछ एंग्री बर्ड्स, और अभी हम लोग कोशिश करते हैं उनको काटने की। ये छोटे बच्चे ना देखिए कृपया, ये खिलौनों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। गाइस ये वाली गाड़ी तो आपको याद है हम लोगों ने वॉल पे चला के देखी, लेकिन एक और मस्त जगह पे हम लोग इसको अभी चला के देखेंगे। ओके इसको हम लोग चलाने वाले, अच्छा नहीं देखो भाई। गाइस वन कार को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया रूफ कार, इसको बोलते हैं एक्चुअली साइंस। ये एक्चुअली पानी में चलने वाली गाड़ी है, इसको यहाँ पे पहले मैं चला के दिखाता हूँ, काफी तेज वाकई, ओए मुझे मार रही है दोस्तों ये गाड़ी। अभी एक्चुअली रात के 10 बजे इसलिए हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते इसको पानी में ट्राई करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं घर में एक बाथटब पड़ा है ओके, जो हम लोगों ने कई सालों से किसी काम के लिए नहीं यूज किया, आज उसका फायदा लेते हैं। आज ये बाथटब हम लोग कभी यूज नहीं करते इसलिए इसमें पानी भी भर नहीं रहा है पता नहीं क्यों, तो ये गाड़ी देखो ऐसे फ्लोट हो रही मस्त सी। अभी इसको चालू करके देखा जा रहा है, वो भाई चल रही है यार पानी, ये देखो कैसे गोल हो रही है पानी का भाई, सच्ची मजा आ गया इसको चला के, और ये वाटर प्रूफ भी है। गाइस ये वो वाली गाड़ी है जिसमें से आग निकलनी चाहिए, ये देखो इस वाली, ओहो इसको नीचे भगा के देखते हैं, आ गाइस अभी हम लोग ये सारी गाड़ी के एक साथ रेस करने वाले हैं, हाथों की कम पड़ गई इसलिए हम लोग पैरों का भी इस्तेमाल कर दे कंट्रोलर के लिए। सब गए अलग अलग जगह पे। दोस्तों आप क्या कर लो, मेरे पास तो जगह नहीं, लेकिन आप मेरे बदले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय।